वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल भी आपका एक तरह से डिराइव्ड लिपिड है, जैसे कि आपने कीटोन बॉडीज पढ़ा था। कीटोन बॉडीज भी आपका फैट से डिराइव हो रहा था, बीटा ऑक्सीडेशन से हो रहा था। इसमें भी सेम, ये भी जो है आपका फैट से डिराइव होता है, लेकिन इसकी खासियत होती है ये स्टेरॉयड न्यूक्लियस। इसमें जो है जो मेनली स्टेरॉयड न्यूक्लियस कंटेन होता है, स्टेरॉयड न्यूक्लियस आपका फोर रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो मैं डिटेल में अभी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो कोलेस्ट्रॉल इज डिराइव्ड लिपिड, एक डिराइव्ड लिपिड है जस्ट लाइक कीटोन, जैसा कि कीटोन था। इट कंटेन्स स्टेरॉयड न्यूक्लियस, देयरफॉर कम्स अंडर स्टेरॉल्स, एनिमल स्टेरॉल्स। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉयड कंटेनिंग कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको स्टेरॉल्स भी कहते हैं, और ये एनिमल्स में ही पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं एनिमल स्टेरॉल्स। कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, ये आप जो खाते हो एनिमल ओरिजिन फूड उसमें रहता है कोलेस्ट्रॉल, एंड इज एब्सेंट इन फूड इन प्लांट, लेकिन ये प्लांट में, प्लांट ओरिजिन के जो फूड आप खाओगे उसमें ये एब्सेंट होता है। इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले हम स्टेरॉयडल न्यूक्लियस देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले ही कहा हूं, इसमें चार रिंग होती है, एक दो तीन चार। पहली दो रिंग जो है, पहली तीन रिंग हेक्सागोनल होती है, यानी कि छह कार्बन से मिलकर के बनी है, ठीक है। ये भी छह कार्बन की रिंग है, ये भी छह कार्बन की, ये भी छह कार्बन की, और आखिरी वाली पांच कार्बन की रिंग होती है। और इसके 13वें और 10वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसका मतलब ये मिथाइल ग्रुप इस पे अटैच है। इसकी नंबरिंग हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसकी नंबरिंग जो है पहले रिंग से शुरुआत करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। जैसे ये हमने डाला एक दो तीन चार पांच, और दूसरे रिंग पे भी चले गए छह सात आठ नौ दस। अब ये वाली रिंग बची, ठीक। अब इसमें क्या चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहे थे, हाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 11 12 13 14, फिर अगेन हम क्या चलेंगे, अगेन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 15 16 17। तो ये हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, यानी कि हम जब कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमारा स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होगा ही होगा। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, इसको सीख लेना है कि कैसे बनाना है, बहुत आसान है। चार रिंग, चार में रिंग है, रिंग से मिलके बना है, जिसमें से तीन जो है क्या है, हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, अब इस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल में देखिए, सेम पहले हम क्या करेंगे, ये चारों रिंग बना देंगे, एक दो तीन चार। चार रिंग बनाने के बाद हमने क्या किया है, इसमें जो है एक कार्बन की साइड चेन हमने जोड़ी है। इसको बनाने का तरीका है सिंपल, एक ऐसे ही हम याद करने के लिए सिंपल तरीका है, एक ये आधा मंदिर बनाया आपने ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, एक आधा, एक द्वार बना दिया आपने, एक सिंपल सा एक द्वार बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक रास्ता बना दिया है और ये दो रास्ते और काट दिए। ये याद करने का तरीका है, ये बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, कार्बन दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसकी नंबरिंग आपको क्लियर कर देते हैं कि अच्छा और क्या है, तीसरे नंबर पे इसमें OH ग्रुप अटैच होता है, और पांचवें और छठे कार्बन के बीच में, देखिए पांचवा छठा मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। अब इसकी नंबरिंग देख लेते हैं, ये नंबरिंग आप बहुत अच्छे से जान गए हैं। देखिए ये एंटी क्लॉक चल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां,
फिर एंटी क्लॉक चलेंगे 15, 16, 17, यानी कि सारी रिंग हो गई कवर। अब क्या करेंगे, रिंग कवर होने के बाद ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है इसमें उसकी नंबरिंग करेंगे। 17 के बाद 18 कार्बन, 19 कार्बन, ठीक, उसके बाद इससे जुड़ा है ये 20वां कार्बन, और इससे एक साइड रिंग और जुड़ी है, ये देखिए एक साइड रिंग और जुड़ी है, ये 21, फिर ये इधर वाला कार्बन 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। टोटल 27 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। और ये जो स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कोलेस्ट्रॉल बना ही नहीं पाओगे। अब देख लेते हैं, आपके सिलेबस में बायोसिंथेसिस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे इसकी सिंथेसिस होती है, तो ये बताना जरूरी है आपको। तो देखिए बायोसिंथेसिस सेम जैसे आप जैसे आप कीटोन बॉडी की बायोसिंथेसिस किए थे, सेम वैसे ही आपको इसकी भी बायोसिंथेसिस करनी है। कैसे करनी है, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अकर इन साइटोसॉल। जो कीटोन बॉडी थी वो भी साइटोसॉल में हो रही थी, ठीक, साइटोसॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल, इट अकर ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ये कहाँ होगा, हर बॉडी सेल में होगा, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी बायोसिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल की वो लीवर में होती है और इंटेस्टाइन में होती है, ठीक। अब कैसे ये सिंथेसिस होगी, इसमें जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रिकर्सर के तरह काम करेगा, ठीक, ये क्या है प्रिकर्सर, ये पहला आपका सब्सट्रेट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। ये कहाँ से मिलेगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड से मिलेगा, ये प्रिकर्सर की तरह काम करेगा ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोवाइड 27 कार्बन, और इसी से 27 कार्बन जो आपको मैंने गिन के दिए थे वो एटम कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के इसी से मिलेंगे। और इसका जो साथ निभाएगा वो NADPH है, जो कि आपका HMP शंट से मिलता है, NADPH से ही ये दोनों मिल करके आपस में क्या बनाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जब आप डिग्रेडेशन करते हो तो आपको बेसिकली तीन चीज मिलती है, और तीनों आपके सिलेबस में है, एक बाइल एसिड मिलेगी, दूसरा विटामिन डी मिलेगा, और स्टेरॉयडल हार्मोन। ये सारों में क्या होगा, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होगा ही होगा, इस वजह से मैंने आपको बताया था स्टेरॉयडल न्यूक्लियस आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं आज हम, सो बाइल कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकर्सर ऑफ दीज सब्सटेंस, ये इन सारे उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रिकर्सर है। तो कोलेस्ट्रॉल से हमें क्या क्या चीज डिग्रेडेशन के बाद मिलती है, बाइल एसिड मिल सकती है, विटामिन डी मिल सकता है, और स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स मिल सकते हैं। अब सिंथेसिस पे आ जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट। अब क्योंकि पता है आपको ये प्रिकर्सर है, तो सबसे पहले आपने क्या लिया, कोलेस्ट्रॉल लिया, देखिए OH तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, और पांचवें छठे पे डबल बॉन्ड है, बाकी सारा स्ट्रक्चर मैंने सेम एज इट इज बनाया है कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या होता है, NADPH रिड्यूस करता है, मतलब कि इसको जो है क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और NAD+ में कन्वर्ट होगा, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, विटामिन सी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और इसमें जो है जो आपका एंजाइम यूज होगा वो होगा 7-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। 7-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज क्या करेगा, ये सातवें पोजीशन पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेगा, इसीलिए इसका क्या नाम है, 7-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। अल्फा क्यों नाम है, क्योंकि ये OH जो ग्रुप होगा ये अबव द प्लेन होता है, अबव द प्लेन है इसलिए अल्फा, अगर बिलो द प्लेन होता तो बीटा कहते हैं इसको। अच्छा यही क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप है तो यानी कि, अच्छा इससे पहले हम जानेंगे कि बाइल सॉल्ट बेसिकली करते क्या है, बाइल एसिड करते क्या है, बाइल एसिड करते हैं आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फैट होता है वो इंटेस्टाइन में ये छोटे छोटे उसमें तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे, और उससे पहले ये बाइल सॉल्ट बनेंगे कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल में NADPH
इसको रिड्यूस करेगा और इसमें OH आके जोड़ देगा, OH आके इसमें जोड़ देगा। तो देखिए क्या है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल था उसमें जो है आपका OH आके जुड़ गया, ठीक। OH आके यहाँ पर देखिए जुड़ गया, इसी को कहते हैं 7-अल्फा-हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 7-अल्फा-हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद क्या होता है, 7-अल्फा-हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में ये इसके ये कुछ का कोली कुछ से कोलिक एसिड बनता है और कुछ से कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड बनेगा। अब देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए इसमें दोनों में ही क्या है, मल्टीपल सेवरल स्टेप्स होंगे, इसमें कई ढेर सारे दोनों में ही स्टेप्स लगेंगे। और इसमें जो एंजाइम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 12-अल्फा-हाइड्रोक्सीलेज है। ये 12-अल्फा-हाइड्रोक्सीलेज क्या करेगा, ये करेगा कि ये जो यहां तो है 7, ठीक, और 12वीं पोजीशन देखिए क्या होगी, 12वीं पोजीशन आपकी ये, यानी कि यहां पर ये 12वीं पोजीशन है, ठीक, ये यहां पर ये देखिए ये 12वीं पोजीशन है, ये 12वीं पोजीशन, सेम यहां पर भी 12वीं पोजीशन, यहां पर OH ग्रुप आके सिंपली ऐड कर देगा। तो जब ये 12वीं पोजीशन पे ऐड किया तो ये बनाएगा कोलिक एसिड, और ये अगर 12वीं पोजीशन पे नहीं ऐड किया, सिंपली उसको रिड्यूस कर दिया, तो ये बनाएगा कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोलिक एसिड और ये कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये अगेन क्या होंगे, ये फिर कोलिक एसिड जो है, अच्छा ये है तो बाइल एसिड, ये है तो बाइल एसिड, और ये चाहे तो ये जा करके आपके इंटेस्टाइन में जा करके इमल्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये कोलिक एसिड जो है आपका, कोलिक एसिड का जो पीके वैल्यू होती है, जो पीके वैल्यू होती है आपकी कोलिक एसिड की होती है, वो होती है बेटा 6, और जो इंटेस्टाइन का आपका पीएच होता है, इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो भी क्या होता है 6। तो इस केस में क्या होता है कि जो डी प्रोटीन प्रोटेशन की प्रक्रिया होती है वो आधी होती है, यानी डी प्रोटेशन मतलब क्या होता है, ये कोलिक एसिड, ये कोलिक एसिड अगर कोलेट फॉर्म में है तभी क्या है बाइल एसिड का इमल्सिफिकेशन करता है। अगर ये सीधे चला गया, यानी कि आधा ही कोलिक एसिड आपका बाइल एसिड का इमल्सिफिकेशन करेगा, रेस्ट आधा खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है, ग्लाइसिन जो कि एक प्रोटीन होती है और टॉरिन ये भी एक प्रोटीन होती है, इससे ये अटैच हो जाती है। जब ग्लाइसिन अटैच होगा तो ये बनाती है ग्लाइकोलिक एसिड, और इसका जो पीके वैल्यू होती है वो होती है 3। इसकी जो ग्लाइकोलिक एसिड की पीके वैल्यू होती है वो 3 होती है और इसकी 2 होती है। तो इस केस में डी प्रोटेशन जो है ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर सकता है, ठीक। तो यही आपका क्या है, प्राइमरी बाइल एसिड। ये ग्लाइसिन जुड़ता है तो ग्लाइकोलिक एसिड बनाता है, टॉरिन जुड़ता है तो टॉरिक एसिड बनाता है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें और कोलिक एसिड और कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में ये क्या है कि इसमें 12वीं पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं जुड़ता है, रेस्ट सारी चीज सेम है, ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, यानी ऑक्सीजन इसमें कम रहता है 12वीं पोजीशन पे, और इसमें क्या है 12वीं पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक। इसमें भी सेम ग्लाइसिन अगर जुड़ता है इसके साथ तो बनाएगा, इसको बनाता था ग्लाइसिन जुड़ता था तो बनाता था ग्लाइकोलिक एसिड, और इसमें ग्लाइसिन जुड़ेगा तो बनाएगा ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, और इसमें टॉरिन जुड़ेगा तो ये बनाएगा टोरोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ये भी प्राइमरी बाइल एसिड है और ये भी प्राइमरी बाइल एसिड है।
अब ये क्या होते हैं, ये आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, और इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, पहले से आपको पता है इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, इनमें बैक्टीरिया इस पे काम करते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, डीकॉन्जुगेशन करते हैं। डीकॉन्जुगेशन मतलब कि ग्लाइसिन को या टॉरिन को अलग कर देंगे। और दूसरा 7-अल्फा-डीहाइड्रोक्सी, जो सातवें नंबर पे OH ग्रुप लगा था आपका, जो सातवें नंबर पे OH ग्रुप लगा था आपका कोलेस्ट्रॉल में, स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये जो सातवें नंबर का OH ग्रुप है इसको भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। यही बैक्टीरियास क्या करेंगे, इस सातवें नंबर OH ग्रुप को रिमूव कर देंगे और डीकॉन्जुगेशन करेंगे, यानी कि ग्लाइसिन या टोरिन को अलग कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीऑक्सीकोलिक एसिड। क्या मिला, डीऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि क्या होता है, सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड। अच्छा, और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम यही करेंगे कि डीकॉन्जुगेशन करेंगे, ग्लाइसिन टोरिन को अलग करेंगे और सातवीं पोजीशन पे OH ग्रुप को भी हटा देंगे। तो इनके एक्शन से क्या बनता है, लिथोकोलिक एसिड बनता है। ये भी क्या है, सेकेंडरी बाइल एसिड है। ठीक, ये हमारा खत्म होता है सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट उसमें हम जो है पढ़ेंगे विटामिन डी का सिंथेसिस। थैंक यू वेरी मच।